पंजाब सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी पर धन वर्षा होती है, करोड़ों का नगद इनाम मिलता है, साथ ही पदक लाओ नौकरी पाओ वाली योजना भी है। लेकिन पंजाब की एक ऐसी खिलाड़ी है जो बीते 7 सालों से अपने इनाम और नौकरी का इंतजार कर रही है। मीरा ने साल 2015 में यूएसए के लॉस एंजलिस में हुई वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए साइकिलिंग की 500 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि 1 व 2 किलोमीटर की स्पर्धा में वे चौथे स्थान पर रही थी। 170 देशों के खिलाड़ी इस महाकुंभ में शामिल हुए थे। लेकिन केंद्र व राज्य सरकार की अनदेखी का शिकार हुई मीरा को आज तक ना तो स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत नगद इनाम मिला और ना ही नौकरी। इतना ही नहीं, अमेरिका से भारत वापस लौटने पर मीरा से वो साइकिल भी ले ली गई जिसपे सवार होकर उसने भारत को सोने का तमगा दिलवाया था। मीरा, आप साइकिलिंग में कहाँ गई थी खेलने के लिए? लॉस एंजलिस गई थी। वहाँ पर क्या रहा फिर? वहाँ पे गोल्ड मेडल आया। अच्छा, तो उस गोल्ड मेडल के बदले क्या दिया गवर्नमेंट ने आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया। क्या बोला था क्या देंगे? अभी बोला था अभी नौकरी दूंगा, तो अभी तक दिए नहीं है, बोलते कहीं ना कहीं सेट कर दूंगा। तो जो तुम्हें साइकिल मिली थी वहाँ पर चलाने के लिए, जो जोन सी साइकिल से आपने गोल्ड मेडल जीता, वो साइकिल कहाँ पर है? वो साइकिल उनके पास ही है। आपको दी नहीं? अभी तक नहीं दी मुझे। तो अब क्या चाहती हो आप? अभी तो मतलब कुछ जॉब मिल जाए या साइकिलिंग मिल जाए या पैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। सीएम पंजाब से और प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगी भी कुछ मेरी हेल्प करें। हेल्प क्यों, हक है आपका, पॉलिसी है उनकी, तो उनको चाहते भी हम या तो साइकिल दे या तो पैसे दे या तो मुझे नौकरी दे दे कहीं भी। आपको बता दें कि मीरा की उम्र 20 साल है, लेकिन दिमाग अभी भी 10 से 12 साल के बच्चों जितना ही विकसित हो पाया है। मीरा को पंजाब सरकार ने उसकी खेल उपलब्धियों के लिए साल 2015 और 16 में 26 जनवरी को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र जरूर दिया था, लेकिन साथ ही उसे लिखित में आश्वासन भी मिला था कि जल्द ही उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी और प्रैक्टिस का सारा खर्च भी उठाया जाएगा। लेकिन वो पत्र सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। मीरा और उसके पिता 5 साल से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, जिन्होंने अब हार मान ली है। इसको बड़ा मेहनत करना पड़ा, इसको मैंने सिखाया किस तरह। हमारा भी एक इच्छा था कि चलो एक बच्चा है, बेटी है, इसको कम से कम साइकिल सीख लेगी तो कुछ आगे। जैसा तो, भी तो क्या लगता है आपको कि आपकी जो मेहनत थी वो सफल हो पाई? जी, थोड़ा सा तो हुआ, जो कम से कम ये खेल में ओलंपिक में हिस्सा लिया और मेडल लेके आई, और भगवान की कृपा से इस पर इसको हम बहुत ही अपने जान से भी ज़्यादा इसको प्यार करता हूँ और इसको चाहता हूँ कोई रोज़गार मिले या नौकरी मिले या भारत सरकार या सिर्फ पंजाब सरकार से कुछ सहायता मिले ताकि इसका आने वाला समय है इसका अच्छी तरह से कट जाए। आपको नहीं लगता कि जो आप ये भिखारी की तरह भीख मांग रहे हो वो इसका हक है, क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसी है सेंटर की भी और पंजाब गवर्नमेंट की भी? हम हक बहुत बार मांगे, नहीं देते हैं हक, इसलिए चलो हम भीख मांग के देखते हैं कि शायद ये दे दें। वैसे तो इनका हक है, इस बच्चे का हक है, बेटी है, सरकार बार बार चैलेंज करती है कि जो मेडल लेके आएगा उसको हम बहुत इनाम देंगे, बहुत पैसे देंगे, लेकिन आज तक इसको कुछ मिला ही नहीं। सीएम साहब से हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर इनका बच्चे को नौकरी दे दें या फिर इसको जो भी सहायता आजीवन काटने के लिए अगर दे दें तो वो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद होगा। यूं तो 2018 में पंजाब सरकार ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण खिलाड़ियों को दिया गया था।
चार साल में एक बार होने वाली पैरालंपिक और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वालों को 2.25 करोड़, रजत पदक लाने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़, व कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए नगद इनाम दिए जाने की बात की गई थी। पंजाब सरकार की इस पॉलिसी के हिसाब से मीरा 2.25 करोड़ रुपए के नकदी इनाम की हकदार है, लेकिन उसे वो हक अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार से अपना हक लेने के लिए मीरा के पिता को और कितना लंबा संघर्ष करना होगा। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से रमेश हांडा की रिपोर्ट।